हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट्स केजड़। हाँ तो गाइस, सभी को पता है डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने माहौल काफी ज्यादा गर्म कर दिया है, यानी कि थलाइवर 171 का टाइटल शेयर कर दिया है, यानी कि कूली। और इन सब को देखने के बाद भाई साहब, सोशल मीडिया काफी ज्यादा गर्मी बन गई है, पनप गई है और फैंस पागल हो गए हैं। और गाइस, काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि हर्ष भाई आप एलसीओ का बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या, ये जो ऑफिशियल टाइटल टीजर आया है कूली का, तो आपको ऐसा लगता है क्या इसमें कुछ हिडन डिटेल्स हैं, कुछ ब्रेक डाउन करो ना, हमें ऐसा नहीं लगता है कि एलसीओ यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाली है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप थोड़े से पागल तो नहीं है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं ना, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन और मैसेजेस आए हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो भाई साहब लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा तो होने वाला है, मैं सब बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आप नहीं करते हैं। तो चलिए जान लेते गाइस, ये जो वीडियो है काफी स्पेशल होने वाला है, और लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन के लिए, डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर के फैन के लिए, और उन लोगों के लिए जो भी कंफ्यूज बैठे हुए कि ये लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं है। तो गाइस, टोटल 4 डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, काफी लोगों को अच्छी लगेंगी, काफी लोग एग्री भी करेंगे और काफी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और फोर्थ नंबर वाला जो पॉइंट है, जो डिटेल है भाई साहब, वो वन एंड ओनली रोलेक्स सर ने विक्रम मूवी में भी कहा था। तो पहले अपन बात कर लेते हैं टॉप 4 हिडन डिटेल के बारे में, जो कि मूवी की टीम ने ऑफिशियल टाइटल टीजर शेयर किया। तो गाइस, पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट डिटेल के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये दिला, मतलब कि एक अश्योरेंस दिलाने वाली है कि भाई साहब ये लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। तो गाइस, अगर आपने ऑफिशियल टीजर देखा होगा और लास्ट में एक सीन आपने देखा होगा जहां पर अपने सुपरस्टार रजनीकांत सर भाई साहब फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं, देन उसी के बैक साइड पे काफी सारे गोल्ड बिस्किट और भाई साहब रोलिंग वाली मनी, रोलिंग वाली जो रोल किए पैसे रहते हैं वो वहां पर देखने को मिल रही है। मुझे बताने की जरूरत है क्या ये रोलिंग वाला पैसा कब से देखने को मिल रहा है आपने को? कैदी मूवी से देखने को मिल रहा है, आफ्टर दैट विक्रम में देखने को मिला, इवन लियो में भी देखने को मिला था। तो भाई साहब, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, जो कि हमेशा की तरह डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर का एक फर्स्ट पॉइंट होता है कि भाई साहब मैं पिक्चर कोई भी बनाऊंगा, लेकिन वहां पर पैसे फोल्ड करके गड्डी करके रखना, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस, यहां पर भी अपने को मनी फोल्ड देखने को मिल रही है, गड्डी फोल्ड होते हुए देखने को मिल रही है। और गाइस, गली में थोड़ा सा रश है तो मैं हाथ जोड़ता हूं, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और दूसरा पॉइंट जो होने वाला है वो ये होने वाला है, तो गाइस, जब आपने विक्रम मूवी का ऑफिशियल ग्लिम्स देखा होगा, जहां पर अपने कमल हसन सर यानी कि एज अ विक्रम भाई साहब अपने घर में खाना खाते बनाते हुए नजर आ रहे थे, और सामने मतलब कि टेबल पे सारे के सारे राउडी बैठे हुए थे, कवर अप फेस उनका सारों का कवर था, और एक एक करके भाई साहब सुलाते हुए नजर आते हैं, आफ्टर दैट मूव होते हैं लियो मूवी का, जब ऑफिशियल अपने टाइटल टीजर आया था, आप लोगों को पता है अपने थलापति विजय सर अपने वेयर हाउस में भाई साहब तलवार रेडी करते हुए नजर आ रहे थे, आप लोगों को पता है ना, तलवार रेडी करते हुए नजर आ रहे थे। और सेम यहां पर अपने सुपरस्टार रजनीकांत सर इस टीजर में भाई साहब पोर्ट में इंटर होते, पोर्ट की सिक्योरिटी को तोड़ के इस वेयर हाउस में घुसते हैं और तोड़ा फाड़ी मचा देते हैं। अब गाइस, काफी लोग बोलेंगे कि यार ये दूसरा पॉइंट समझ नहीं आया, तो भाई साहब ये उन लोगों को समझ आएगा जो भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में डूबे हुए हैं, समझे हुए हैं कि भाई साहब ये हो सकता है। और थर्ड डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो थर्ड डिटेलिंग इतनी तगड़ी है, और उससे भी ज्यादा जो तगड़ी है भाई साहब फोर्थ नंबर की है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी ज्यादा शॉक्ड करने वाला है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं, तो गाइस, जब मैं लियो मूवी पर काम कर रहा था, अक्टूबर मंथ की बात है, सितंबर मंथ की बात है, मतलब कि देखा जाए तो फरवरी मार्च मंथ से मैंने अक्टूबर मंथ तक भाई साहब पूरा लियो का ही निपटाया है। तो लियो के टाइम पर एक बात मैं बोलता था, गाइस ये थर्ड पॉइंट, और जितने भी लियो मूवी के फैंस हैं, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया था, तो उन लोगों को ये चीज अच्छे से पता है कि उस टाइम में एक बात बोलता था, प्यारी सी एक बात बोलता था, जो कि ये बोलता था
कि यहाँ पर अपने को तीन भाई दिखाई देने वाले हैं। कौन दिखाई देने वाले? तीन भाई दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से जो कि एक रोलेक्स सर होने वाले हैं, यानी कि सूर्य सर होने वाले हैं। दूसरे जो होने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर होने वाले हैं। थर्ड जो होने वाले हैं अपने अजीत कुमार सर होने वाले हैं। और तीनों का भाई साहब प्रोफेशन भी मैं शेयर करता था कि रोलेक्स सर भाई साहब ड्रग्स का काम का संभालेंगे, जो कि ऑलरेडी ड्रग्स का संभाल ही रहे हैं। और दूसरे जो होने वाले हैं भैया अपने सोने की स्मगलिंग करने वाले। अब अपन ने इतना सोना देख लिया, इतना धन रुपया देख लिया, तो भाई साहब वो भी डाउट क्लियर हो गया। थर्ड जो है भाई साहब अजीत कुमार सर है। तो अजीत कुमार सर भाई साहब फार्मिंग का, मतलब कि वो होता है ना एक मेडिसिन का, दवाइयों का काम का संभालने वाले हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। और भाई साहब जो भी लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स के फैन है ना, उन्हें स्पेशली ये वाला जो डिटेल है अच्छे से पता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होने वाला है भाई साहब, तगड़े लेवल पे होने वाला है। और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो काफी तगड़ा है, और वो पॉइंट काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो रोलेक्स सर ने विक्रम मूवी के अंदर भाई साहब डायलॉग बोले थे, वही अपने सुपरस्टार रजनीकांत सर ने यहां पर बोले हुए। तो गाइस आप लोगों को पता है, जब रोलेक्स सर का कैमियो हुआ था तो वहां पर वो एक डायलॉग बोलते हुए नजर आए थे, 27 साल लगे मुझे साम्राज्य खड़ा करने में, बाप दादा कुछ नहीं छोड़ कर गए। आप लोगों को पता होगा रोलेक्स सर ने यही जुबानी में बोला था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, बाप दादा कुछ छोड़ कर नहीं गए। लेकिन अभी जो टाइटल टीजर आया कुली का थलाई भर 171 का, तो वहां पर सुपरस्टार रजनीकांत सर क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, पापा आए, दादा आए, रुके नहीं, चल दिए। भाई साहब देखें, रुके नहीं चल दिए, मतलब कि कुछ भी छोड़ के नहीं गए। रोलेक्स सर ने भी यही बोला, बाप दादा कुछ छोड़ के नहीं गए। और गाइस अभी भी काफी लोग बोलेंगे ये कैसी अनलॉजिकल वाली बात कर रहे हैं हर्ष आर्या। तो भाई साहब आप ट्रस्ट करें ना करें, लेकिन मैंने मूवी की टीम से कंफर्म कर लिया है कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं है। तो टीम ने यही बोला कि भाई साहब लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। और मुझे भाई साहब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की अपडेट्स कैसी होती हैं, सच होती हैं, झूठ होती हैं। जो भी मेरा रेगुलर व्यूवर है उन्हें ऑलमोस्ट पता है मेरी जितनी भी अपडेट होती है सारी की सारी सच होती हैं। बाकी ये चार डिटेल्स थी, उसमें से एक समझ नहीं आएगी, लेकिन तीन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि कहीं ना कहीं लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्ट करती हुई नजर आने वाली है। बाकी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर के लिए, सुपरस्टार रजनीकांत सर के लिए। और मैं यहां पर ये विजन सोच रहा हूं कि यार अब ये करने क्या वाले हैं, किस लेवल पे करने वाले हैं, लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स को इतना ग्रो किस लेवल पे करने वाले हैं, सोचकर ही डर लग रहा है। लेकिन डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर को भाई साहब बनाने में डर नहीं लग रहा है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं सुपरस्टार रजनीकांत सर की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी कूली के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है इस ऑफिशियल टाइटल टीजर के बारे में, ने जो मैंने ब्रेक डाउन किया उसके बारे में क्या लगता है, क्या लगता है मेरी हिडन डिटेल्स के बारे में, क्या एलसीओ से कनेक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं कर तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।